गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। आज 13 सितंबर और आज की जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए आज के अपडेट क्या है। प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रीट का इंतजार, एक माह की देरी से अगली सरकार बनने तक टल जाएगी परीक्षा। चिंता, अगले महीने आचार संहिता व दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित, कई भर्ती परीक्षाओं को सरकार ने फरवरी तक टाला। हर वर्ष 1.25 लाख युवा ले रहे हैं डिग्री। बिना मंजूरी 37 पद पर निकाली भर्ती, एसटी को नहीं दिया आरक्षण, विवाद के बाद रद्द। टीएडी की स्वच्छता परियोजना में भर्ती के लिए राजस्थान सेवा नियम दरकिनार, संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 40% का प्रावधान रखा। ड्राइवर से लाइसेंस तक नहीं मांगा योग्यता, भी केवल साक्षर। आरएस 2023 ओमार शीट में 5वां विकल्प शुरू, सब परीक्षाओं में यही होगा। शुद्धि पत्र जारी, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आरबीएससी 10वीं और 12वीं परीक्षा आवेदन का आज अंतिम दिन, फिर लगेगी पेनल्टी। विवादित प्रश्न उत्तर मामला, कमेटी जांच रिपोर्ट पेश करे तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम भर्ती 2022। राज्य के 311 सरकारी आईटीआई कॉलेजों में 1,14,144 सीटें खाली, सीधे प्रवेश शुरू, आवेदन 21 सितंबर तक। 23 सितंबर को आएगी मेरिट, 25 सितंबर से शुरू होगा नया सेशन। 1,677 अंग्रेजी स्कूलों में 2,391 शिक्षकों ने किया ज्वाइन, 16,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। जिले को लेवल 2 के 600 शिक्षक मिलेंगे, आवंटित लेवल 1 के शिक्षकों में से 254 जिले के निवासी, 270 बाहर के लगेंगे, 51 दूसरे जिले में आएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले को मिलेंगे L1 के 815 शिक्षक, आज शिक्षा विभाग को मिलेगी चयनितों की सूची। शिक्षकों की कमी दूर होगी, जिला परिषद के जरिए होगी जिले के स्कूलों में नियुक्ति। अजमेर से बड़ी खबर, ईओ परीक्षा घूसकांड, के सावत पर भ्रष्टाचार की धाराएं हटाई, 18.50 लाख लेते पकड़े गए थे पूर्व मंत्री। परिवादी ने जिन फोन पेपर 50,000 डाले थे वह बरामद नहीं हुआ। विवादित प्रश्न उत्तरों पर विशेषज्ञ कमेटी करे अध्ययन, शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट ने दिया आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 2023 का मामला। नाविक और यांत्रिक के 350 पदों के लिए आवेदन शुरू, जोड़ी हो तो ऐसी, दूसरे प्रयास में पति पत्नी एक साथ बने शिक्षक, किसान परिवार से रखते हैं ताल्लुक। विद्या संबल योजना अलवर, गैस फैकल्टी के लिए आवेदन 18 सितंबर तक। सांख्यिकी अधिकारी के बेहतर पदों पर भर्ती, आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्ती। सरकार स्थलन दे तो हो सकती है डीपीसी, बाहर राज्य में दाखिला मुश्किल, यहां नौकरी में भी कोटा तय नहीं। संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों से सौतेला व्यवहार, प्रदेश के 1.5 लाख बच्चे मेडिकल कैंप व नो बेक डे जैसी योजनाओं से वंचित। जेएनयू के शिक्षकों के 58% पद खाली, हिंदी के शिक्षक पत्रकारिता और पॉलिटेक्निकल साइंस के लोक प्रशासन पढ़ा रहे हैं। बीपीएड के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में 90% अभ्यर्थी क्वालिफाई, मेरिट से किया जाएगा चयन। हिंदी शिक्षक भर्ती 2529 अभ्यर्थियों की विचारी सूची जारी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती। अब आयोग की ओर से तय परफॉर्मा में ही अभ्यर्थियों को बताना होगा अपना अनुभव, आरपीएससी भर्ती विज्ञापनों के साथ अनुभव प्रमाण पत्र को परफॉर्मा भी जारी। राज्य के 311 सरकारी आईटीआई में 14,144 सीटें खाली। दोस्तों ये थे आज के अपडेट, आज का सुविचार, जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। इसी के साथ दोस्तों आज के अपडेट समाप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।